देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि लीगली जो आवश्यक चीजें हैं उन पर माननीय न्यायालय ने जिन बातों का उल्लेख किया है उन सारी बातों को ध्यान में रखकर मेरा यही तो कहना है कि ये जितनी भी आज जो भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं कमलनाथ जी, ये पूरा चक्रव्यूह रचने का काम दिग्विजय सिंह जी करते हैं और दिग्विजय सिंह ने ही यह व्यूह रचना रची, क्योंकि सामंतवादी सोच की प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग को किसी प्रकार से अवसर न मिले और उसी भ्रम में उसी इस जाल में मुझे लगता है कमलनाथ जी भी उलझ गए और आज मध्य प्रदेश स्थिति में आकर खड़ा हो गया। इसका जवाब उनके पास नहीं है, तो इसलिए ऐसी कोई भी चीज अगर थी कोर्ट के अंदर तो मैं यही कहना चाहता हूं कि वो माननीय सदस्य उनको माननीय न्यायालय के सामने इस बात को जरूर कहना था कि साहब हमने आर्गुमेंट नहीं किया है और हमने तो ये रिलीफ मांगा ही नहीं है, तो उनको अपनी याचिका वापस लेनी चाहिए थी। इसका वो जवाब नहीं दे सकते, न जवाब उसका दे पा रहे, क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं। अरे क्लेरिफिकेशन आप इतने, मैं भी ऐसे बड़े सम्मानित एडवोकेट रहे हैं उनका मैं सम्मान करता हूं, मैं भी इस क्षेत्र में काम करते करते कुछ वकीलों के साथ मेरा भी संबंध रहा है, तो इसलिए इस दिशा में जो करना चाहिए था वो कांग्रेस ने नहीं किया।